हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 11 से लेकर 20 सितंबर तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले नंबर पर है आपका काला हिरण। काला हिरण वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल फिलहाल में हमारे प्रदेश के बारनवापारा अभयारण्य में काले हिरण भेजे जाने का आदेश जारी किया गया है। देखिए, काला हिरण जो है ये सर्वाधिक पाया जाता है आपके राजस्थान में। राजस्थान और उसके आसपास के राज्यों में ये काला हिरण पाया जाता है। हमारे प्रदेश के बारनवापारा अभयारण्य में आपके वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा काले हिरण भेजे जाने का आदेश जारी किया गया है। देखिए, ये आदेश क्यों जारी किया गया इसे समझिएगा। इससे पहले भी हमारे प्रदेश में दिल्ली से लगभग 50 काले हिरण भेजे गए थे, 50 काले हिरण भेजे गए थे और वर्तमान में इसकी संख्या है 74। दो साल पहले दिल्ली से हमारे इस छत्तीसगढ़ के बारनवापारा अभयारण्य में 50 काले हिरण भेजे गए थे। वर्तमान में इनकी संख्या 50 से बढ़कर के दो सालों में हो गई है 74। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा यह छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है, जो बारनवापारा अभयारण्य का जो आपका जो परिस्थिति है, वो ये यहाँ का जो वातावरण है ये काले हिरण के अनुकूल है। ठीक, ये जो हमारे प्रदेश का बारनवापारा अभयारण्य का जो वातावरण है ये काले हिरण के अनुकूल है। हमारे इस छत्तीसगढ़ के बारनवापारा अभयारण्य में इन 50 हिरणों को 25 हेक्टेयर का एक बाड़ा बना करके उन्हें उस क्षेत्र में उनका संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा था। 50 से इनकी संख्या बढ़ करके हो गई है अभी वर्तमान में 74। तो इस अनुकूल और वातावरण की परिस्थितियों को देखते हुए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और भी काले हिरण इस बारनवापारा अभयारण्य में भेजे जाने का आदेश जारी किया है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे प्रदेश के किस अभयारण्य में काले हिरण पाए जाते हैं, तो वो है आपका बारनवापारा अभयारण्य। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ये होटल मैनेजमेंट से संबंधित एक आपकी शैक्षणिक संस्था है। इसका गठन हुआ था आपके वर्ष 2006 में। अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद के द्वारा इसे जो है मान्यता मिली है, राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है 14 साल बाद। वर्ष 2006 में इसका गठन हुआ था, वर्ष 2006 में गठन के पश्चात 14 साल बाद इसे राष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिली है। राष्ट्रीय स्तर की मान्यता का मतलब, जैसे ये जो आपका होटल मैनेजमेंट जो है ये आपका वर्ष 2006 से ये खुला हुआ है, लेकिन इसे राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त थी। अब इसे मिल गया है आपके राष्ट्रीय स्तर की मान्यता, जो लागू होगी आपके शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से। ये जो राष्ट्रीय मान्यता मिली है, इसका लाभ क्या होगा? जो भी आपके इस होटल मैनेजमेंट से जो आपके पास आउट होंगे, जो डिप्लोमा का कोर्स करेंगे, वो अब दूसरे राज्यों में जा करके बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थाओं में अपने आगे की होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो बड़े बड़े जो आपके होटल्स हैं वहाँ पर इन्हें नौकरी भी मिलेगा। तो ये है आपका स्टेट इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, ये स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ये मौजूद है आपके रायपुर में। ठीक, रायपुर में है। इसकी स्थापना या गठन हुई थी वर्ष 2006 में, और इसे हाल ही में यानी कि इसी आपके सितंबर के महीने में राष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिली है राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका रायगढ़ पुगलर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट ट्रांसमिशन परियोजना। रायगढ़ पुगलर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन परियोजना, ये ट्रांसमिशन परियोजना है क्या, ध्यान समझिएगा। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले से तमिलनाडु राज्य के पुगलर जिले तक लगभग 1765 किलोमीटर लंबा हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन वायर बिछाया गया है। 1765 किलोमीटर लंबा ये जो आपका जो ट्रांसमिशन, जो आपका करंट ट्रांसमिशन के लिए जो आपका ये लाइन बिछाई गई है, इसकी क्षमता है, मैक्सिमम कैपेसिटी है आपकी 6000 मेगावाट। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है आपकी 6000 मेगावाट। इसके प्रथम चरण में आपके 1500 मेगावाट तक के जो डायरेक्ट करंट है उसे सुगम तरीके से ट्रांसमिट किया जाएगा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से आपके तमिलनाडु के पुगलर तक। ठीक, देखिए, हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि इतनी लंबाई के साथ, 1765 किलोमीटर लंबाई के साथ, ये विश्व की सबसे लंबी HVDC का मतलब हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन है करके।
ठीक, अभी केवल दावा किया जा रहा है, लेकिन इसमें कितनी इसकी सच्चाई है, कितनी प्राथमिकता है, तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि 1765 किलोमीटर लंबाई के साथ ये दुनिया का सबसे लंबी HVDC लाइन है, यानी कि हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट लाइन है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ट्राई फूड पार्क। ट्राई फूड पार्क, इसे खोले जाने की घोषणा की गई है आपके सरगुजा जिले में। सरगुजा जिले में आपके इस ट्राई फूड पार्क, ट्राइब का मतलब होता है जनजाति, जनजाति फूड पार्क। अभी हमारे प्रदेश में ऑलरेडी आपके बहुत सारे फूड पार्क मौजूद है, फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क है, लेकिन ये क्या है, ये ट्राइब फूड पार्क है। ट्राइब मतलब जनजाति से संबंधित फूड पार्क। इसकी स्थापना की जा रही है आपकी वन धन योजना के अंतर्गत। वन धन योजना क्या है, वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई यह एक योजना है, वन धन परियोजना, प्रधानमंत्री वन धन परियोजना, जिसके तहत जो आपके जनजातीय जो है, जो जनजाति जो आदिवासी वर्ग है, जो जंगलों में रहते हैं, तो वो जंगलों के माध्यम से, वन के माध्यम से अपनी आजीविका का माध्यम ढूंढ सके, अपने रोजगार ढूंढ सके, इसके लिए वर्ष 2018 में प्रारंभ किया गया था आपका वन धन परियोजना। इस वन धन योजना के अंतर्गत ही इस ट्राइब फूड पार्क को खोले जाने की घोषणा की गई है आपके रेणुका सिंह के द्वारा। रेणुका सिंह जो कि वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंत्रिपरिषद में जनजातीय कार्य मंत्रालय की राज्य मंत्री है, ठीक है, जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक राज्य मंत्री है। इसका उद्देश्य क्या है, वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वनोपजों का संग्रहण किया जाए और उसका प्रोसेसिंग करके उसको जो है खाने योग्य प्रोडक्ट बनाया जाए। ट्राइब फूड पार्क जो आपके आदिवासी जो है, इनके रोजगार, इनके जीविकोपार्जन, आजीविका का जो है साधन उपलब्ध कराना, यह ट्राइब फूड पार्क का उद्देश्य होगा। अभी इसकी केवल घोषणा की गई है, अभी स्थान चिन्हांकित किया जाएगा किस स्थान पर यह फूड पार्क खोला जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके बहादुर कलारिन की माची। बहादुर कलारिन की माची जो कि मौजूद है आपके चिरचारी और सोरा के बीच में मौजूद है, ये बालोद जिले में, बालोद जिले में है आपके बहादुर कलारिन की माची। देखिए, ये जो आपके बहादुर कलारिन की माची है, ये आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि आपका बहादुर कलारिन की माची किस जिले में है, तो वो है आपके बालोद जिले में। देखिए, इसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ा सुन के रख लीजिए, हो सकता है मेंस में भी आपके लिखने के लिए आपका आ जाइए। देखिए, 15वीं सदी के समय के जो है, ये जो आपके बहादुर कलारिन की जो माची है, या जो आपके बहादुर कलारिन की जो कहानी है, ये 15वीं सदी के आसपास की है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये जो आपका माची, माची का मतलब क्या होता है, माची का मतलब होता है ठिया, यानी कि स्थान। ये जो आपका पत्थरों से निर्मित एक माची है, एक शेड है, समझ लीजिए एक चबूतरा के तरीके से है, जो शेड से ढका हुआ है। शेड का मतलब, वो शेड भी आपके पत्थरों से बना हुआ है, पत्थरों से निर्मित बिना किसी जोड़ की माची, यानी कि चार स्तंभ आपके पत्थरों के स्तंभ लगे हुए हैं और उसके ऊपर जो छत, जो शेड बना हुआ है, वो भी पत्थरों का है। इसमें किसी भी प्रकार का जोड़ नहीं है, बस पत्थर ऊपर रखाए हुए हैं। माची मतलब होता है ठिया। ठिया का मतलब एक स्थान जहां पर आपके जो कलारिन है, कलारिन इस स्थान पर अपने माची में बैठ करके उच्च कोटि का शराब बनाया करती थी। उच्च कोटि का शराब, ये उच्च कोटि के शराब बनाने का कार्य करती थी आपकी कलारिन। तो जिस स्थान पर वह शराब निकालती थी, शराब बनाती थी, उस स्थान, वो जिस जगह पर बैठ के बनाती थी, वो था आपका माची। माची यानी होता है ठिया, एक बैठने का स्थान। ठीक, देखिए घटनाक्रम कुछ समझिएगा। 15वीं सदी के आसपास ये जो आपका कलारिन और एक है वंशीय शासक, यानी कि कलचुरी शासक से जुड़ी हुई कहानी है। ये जो आपका जो कलारिन जो है, एक उच्च कोटि का शराब बनाया करती थी। इसके शराब जो है आसपास के क्षेत्रों में काफी फेमस थे, राजघरानों में इसके शराब मंगाए जाते थे। तो एक आपका है वंशीय शासक जो है शिकार पर आया रहता है और इस क्षेत्र में पहुंचता है, तब इसकी मुलाकात इस कलारिन से होती है। कलारिन की सुंदरता को देख करके वो राजा मंत्रमुग्ध हो जाता है और इससे गंधर्व विवाह, यानी कि प्रेम विवाह करता है। कुछ समय पश्चात इस है वंशीय शासक और आपके कलारिन का एक पुत्र होता है। कलारिन को अपने महल की महारानी बनाने का आश्वासन देकर के वो राजा वापस लौट जाता है और दोबारा कभी नहीं आता। जैसे जैसे आपके कलारिन का पुत्र बड़ा होता है, वो आपके अपने माँ से अपने पिता के बारे में जानकारी जुटाने का काफ़ी प्रयास करता है, लेकिन उसकी माँ उसके पिता के बारे में कुछ भी नहीं बताती।
समय के साथ ये राजाओं के जो राजघरानों के लिए जो है इस लड़के के मन में यानी कि आपके कलारिन के पुत्र के मन में आपकी घृणा की भावना उत्पन्न होती है, ये इनसे बदला लेने का आपका प्रयास करता है। तो इसी कड़ी में वो राजघरानों की जो भी आपकी महिलाएं रहती है, जो राजकुमारियां रहती है, जो उनकी बहु बेटियां रहती है, उन्हें पकड़ करके ला करके इसी माची में खूंटा से बांध करके उनसे आपके आटा पिसवाने का कार्य करवाता था। तो इसको देख करके आपके कलारिन ने अपने बेटे को बहुत बार उससे आग्रह किया कि इन सभी को छोड़ दो, कि किसी और की गलती की सजा किसी और को देना उचित नहीं है। लेकिन वो लड़का नहीं मानता है, उसका लड़का जो है, उसका पुत्र जो है, अपनी माँ यानी कलारिन की बात नहीं मानता है। एक समय कलारिन अपने पुत्र को खाना परोसती है लेकिन पानी नहीं देती। तो खाना खाने के बाद जब उसका जो बेटा जो है आपके कुआं के समीप जाता है, तो कुआं के समीप जैसे ही जाता है तो पीछे से कलारिन अपने बेटे को धक्का दे देती है और ये सभी आपकी जो महिलाएं रहती है, राजघराने की जो महिलाएं रहती है, उन्हें खूंटे से निकाल करके उन्हें आजाद कर देती है। तो ये एक प्रकार से आपके बहादुर कलारिन की कहानी है, जिसने राजघराने की महिलाओं के यानी कि बहु बेटियों की रक्षा के लिए इसने अपने एक लौटते पुत्र का बलिदान दिया। ठीक, आया हुआ प्रश्न है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। आज भी जो है आपके इस माची में इस कलारिन से संबंधित अवशेष मौजूद है। मटके रखने का स्थान यानी कि जो शराब निकाल करके जिस मटके में वो एकत्र किया करती थी, वो मटके रखने का स्थान, गोल सा राउंड शेप का स्थान आज भी मौजूद है। और खूंटा जिसमें ये आपके महिलाओं को बांध के रखा गया था, वो पत्थर के खूंटे आज भी इस स्थान पर मौजूद है। ये कहानी जो है स्थानीय स्तर पर आपके किंवदंती के रूप में प्रचलित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा चावल आपूर्तिकर्ता। ध्यान समझिएगा क्या बोल रहा है, चावल आपूर्तिकर्ता, चावल उत्पादक राज्य नहीं बोल रहा है, चावल आपूर्तिकर्ता राज्य बोला जा रहा है, यानी कि चावल की सप्लाई करने वाला राज्य। देखिए क्या है, समझिएगा। खरीफ वर्ष 2020-21 में धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है आपका 85 लाख मैट्रिक टन। हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा अभी जो आपके आगामी जो आपके धान की खरीदी होगी, इस धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है आपके 85 लाख मैट्रिक टन। इस 85 लाख मैट्रिक टन से चावल का जो उत्पादन होगा यानी कि धान से जो चावल बनेगा वो बनेगा लगभग आपके 60 लाख मैट्रिक टन। तो प्रदेश सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो बनने वाला जो 60 लाख मैट्रिक टन है, इसकी सप्लाई ये करेगा केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को ये चावल की सप्लाई करेगा। देखिए क्या एक्चुअली है, क्या इसे समझिएगा। इस साल जो है, इस साल हमारे प्रदेश में लगभग आपके 83 लाख मैट्रिक टन आपके धान की खरीदी हुई। धान की खरीदी के पश्चात उसके चावल बनाए गए, लेकिन हमारे प्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर यानी कि लगभग 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उसने धान की खरीद, हमारे प्रदेश सरकार ने धान की खरीदी की है। उसमें से बहुत से जो आप जब वो आपके 83 लाख मैट्रिक टन से जब आपका धान से चावल बनाया गया, तो लगभग आपके 56 लाख मैट्रिक टन चावल का उत्पादन हुआ। इस 56 लाख मैट्रिक टन में से भी बहुत सारे चावल जो है प्रदेश सरकार के पास शेष बच गए थे। जितने मूल्य पर प्रदेश सरकार ने धान की खरीदी की थी, वो भी सही तरीके से प्रदेश सरकार वसूल नहीं पाई। तो इस साल जो है प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जितने भी धान की खरीदी करेगी, यानी कि जो लक्ष्य उसने डिसाइड किया है 85 लाख मैट्रिक टन, और इस 85 लाख मैट्रिक टन धान से जो चावल का उत्पादन होगा 60 लाख मैट्रिक टन धान का उत्पादन, ये पूरे के पूरे जो 60 लाख मैट्रिक टन जो चावल का उत्पादन होगा, इस पूरे के पूरे चावल को हमारी प्रदेश सरकार बेचेगी केंद्र सरकार को। अब बात ये उठता है कि पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदेश सरकार जो है चावल को कैसे देगी। हमारे यहां राशन कार्ड के माध्यम से आपके चावल मिलते हैं, तो हमारे प्रदेश सरकार का यह अंदाजा है कि जो 85 लाख मैट्रिक टन का जो अनुमान लगाया गया है, ये क्या है, लक्ष्य है। हम लक्ष्य से ज़्यादा धान की खरीदी करेंगे। प्रदेश सरकार का ये कहना है कि जब से हमने जो प्रोत्साहन राशि यानी कि जो धान खरीदी की जो राशि 2500 रुपये प्रति क्विंटल की है, तब से हमारे प्रदेश में जो है धान की पैदावार बढ़ रही है, धान की उपज बढ़ रही है। तो हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया 85 लाख मैट्रिक टन, ये बढ़ करके और भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए इस लक्ष्य को, इस लक्ष्य से बनने वाले चावल को प्रदेश सरकार बेच रही है, प्रदेश सरकार दे रही है केंद्र सरकार को। ठीक, देखिए इसका फायदा क्या होगा, 85 लाख मैट्रिक टन का जो जो प्रदेश सरकार जो है 85 लाख मैट्रिक टन जो जो चावल जो बनाए जो आपकी धान जो उगाएगी, उसे एमएसपी पर यानी कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आपके केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। तो इसके बदले का जो आपका अतिरिक्त धनराशि है यानी कि जो 2500 रुपये जो क्विंटल है, 1800 रुपये क्विंटल के आसपास आपकी धान की खरीदी की जाती है, जो एक्स्ट्रा जो 2500 रुपये क्विंटल यानी कि जो आपका 600 रुपये का गैप है, 600-700 रुपये का जो गैप है, उतना ही
एक्स्ट्रा बर्डन आपके राज्य सरकार के ऊपर आएगा, ठीक, यानी कि ज्यादा सरकार को अपने जेब से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा इस साल चावल उत्पादक राज्यों से लाख मैट्रिक टन चावल खरीदी का, धान नहीं है चावल है ध्यान दीजिएगा, चावल खरीदी का लक्ष्य है, जिसमें आपके पंजाब जो है पहले स्थान पर है। पंजाब के द्वारा केंद्र सरकार को 113 लाख मैट्रिक टन चावल की सप्लाई की जाएगी, जबकि छत्तीसगढ़ के द्वारा आपके 60 लाख मैट्रिक टन चावल की सप्लाई की जाएगी। और 60 लाख मैट्रिक टन चावल की सप्लाई के साथ हमारा छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा चावल आपूर्तिकर्ता राज्य है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका तुम्बा शिल्प। तुम्बा शिल्प जिसे हमारे प्रदेश के आदिवासियों के द्वारा, इसे देसी फ्रिज या देसी थर्मस भी कहा जाता है। थर्मस यानी कि थर्मस में अगर आप कोई ठंडा पानी रखेंगे तो वो लंबे समय तक ठंडा रहता है। देसी फ्रिज यानी कि आपके जो पानी रखा जाता है ज्यादा फ्रिज में, और पानी लंबे समय तक आपके फ्रिज में भी ठंडा रहता है। तो इसीलिए इस तुम्बा का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। तुम्बा का मतलब होता है आपका लौकी से बनाया जाता है आपका पेय पदार्थ संग्रहण वाला आपका बर्तन या फिर आपके लैंप पोस्ट। देखिए, ये जो आपका लौकी जो है ये विशेष प्रकार का लौकी रहता है, जो कि ऊपर से सकरा रहता है और नीचे गोल शेप यानी मटके के शेप में रहता है। तो उस लौकी के अंदर का गुदा निकाल देने के बाद जो है वो लौकी जो है यानी कि जो तुम्बा जो है ये एक पात्र के रूप में, एक खोखला पात्र बन जाता है, जिसमें अगर पानी रखा जाता है तो वो पानी लंबे समय तक ठंडा रहता है। तो ये एक प्रकार से पेयजल संग्रहण के रूप में। और लैंप पोस्ट का मतलब देखिए, एक शिल्पकार है जिनका नाम है आपका जगत राम देवांगन जो कि कोंडागांव जिले के है, जो अब इस तुम्बा में जो है अलग अलग प्रकार का डिजाइन बना रहे हैं। अलग अलग प्रकार का डिजाइन का मतलब देखिए, यहां क्या बात हो रही है आपके लैंप पोस्ट की। जैसे कि आपके विदेशों में बनाए जाते हैं आपके हेलोइन में क्या होता है, एक गोल सा आपका कद्दू लेकर के उसमें आपके डिजाइन बनाए जाते हैं, तो वैसे ही हमारे प्रदेश के जो आपके जगत राम देवांगन है वो आपके लौकी में जो है अलग अलग डिजाइन बना रहे हैं, उसको खोखला करके डिजाइन बना करके उसका जो है लैंप पोस्ट का निर्माण कर रहे हैं। तुम्बा का उपयोग हमारे प्रदेश के जो स्थानीय जनजाति है, स्थानीय आदिवासी है, जब वो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं या आपके खेतों में कार्य करने के लिए जाते हैं तो इसी लंबे से तुम्बा में वो आपका पानी भर करके ले जाते हैं ताकि पानी लंबे समय तक ठंडा रहे। पानी भर करके ले जाते हैं, मदिरा भर करके ले जाते हैं, लांदा भर के ले जाते हैं, ठीक है, हम देखिए लांदा हो गया, हड़िया हो गया, तो जो आपके उनके जो मादक पेय पदार्थ है उसे भी भर करके आपके वो तुम्बा में लेकर के जाते हैं। तो तुम्बा के शिल्पकार कौन है पूछा जाए तो वो है आपके जगत राम देवांगन। ये काफी फेमस है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो आपके बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर जो है उनके इस तुम्बा शिल्प, जो उन्होंने जो तुम्बा के जो अलग अलग पैटर्न जो शिल्प बनाए थे उसको उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसके बाद ये जगत राम देवांगन काफी हाईलाइट में आए थे। तो इनका नाम याद रखिएगा कि जगत राम देवांगन का संबंध किससे है, तुम्बा शिल्प से है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कुछ पुरातात्विक स्थल कवर्धा जिले से संबंधित। ये करंट का टॉपिक नहीं है, बहुत पहले का टॉपिक है, लेकिन न्यूज में एक आर्टिकल आया था तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, कवर्धा जिले से संबंधित कुछ पुरातात्विक स्थल। कवर्धा जिले में किनका शासन था पहले यह ध्यान दीजिए, आपके फणी नागवंशीय शासकों का इस कवर्धा वाले क्षेत्र में शासन था। 11वीं सदी से लेकर के लगभग 15वीं सदी के आसपास इन फणी नागवंशीय शासकों का शासन था। देखिए, कुछ प्रमुख स्थलों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। एक है आपका रबेली ग्राम। इस रबेली ग्राम में लगभग 150 के आसपास बारातियों का भित्ति चित्र बना हुआ है, ठीक। आपके जैसे बारात में कुछ लोग शामिल होते हैं तो वैसे लगभग 150 लोगों का एक समूह है जो बारात में जा रहा है, तो ऐसे पैटर्न का पत्थर के ऊपर एक भित्ति चित्र बना हुआ है, ठीक, भित्ति चित्र बना हुआ है। तथा साथ ही साथ ये जो आपका भित्ति चित्र है ये भी लगभग आपके 13वीं सदी के आसपास का ही है। और ये जो आपके इसी रबेली ग्राम में एक पत्थर भी है, एक खोखला पत्थर है, इस पत्थर को ठोकने पर आपके बांसुरी की आवाज निकलती है, ठीक है, बांसुरी की आवाज निकलती है। धुन निकलना अलग होता है, लेकिन यहां पर कैसा निकल रहा है, बांसुरी की आवाज। बांसुरी जो कि बांस से बना हुआ एक वाद्य यंत्र है जिसमें छेद होते हैं, तो वैसे ही उस बांसुरी से जैसे आवाज निकलता है वैसे ही आवाज यहाँ के पत्थरों को ठोकने से निकलता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका चौरा ग्राम, जिसमें आपके चतुर्भुजी गणेश की प्रतिमा मिली थी आपके कुछ समय पहले, एक कुछ साल पहले, जो कि आपके 13वीं सदी के आसपास की आपकी प्रतिमा है, चतुर्भुजी गणेश की प्रतिमा। ये 13वीं सदी के आसपास की है, ये भी फणी नागवंशीय कालीन है, ठीक। तो चतुर्भुजी गणेश की प्रतिमा कहां से मिली है, चौरा ग्राम से।
ठीक, ये काफी पुराना न्यूज है, अभी का न्यूज नहीं है, लेकिन एक पेपर में आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल को ही हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका हर्मोग्राम। हर्मोग्राम, इस हर्मोग्राम में है आपका सातखंडा महल। सातखंडा महल, प्रश्न पूछा जाएगा कि सातखंडा महल किस जिले में है, तो वो है आपके कवर्धा जिले में। इस महल का नाम सातखंडा क्यों है, क्योंकि यहां पर आपके इस महल के अंदर आपकी छोटी छोटी बहुत सी सीढ़ियां हैं, वो छोटी छोटी सीढ़ियां जो है इस महल को सात भागों में विभाजित करती है, इस कारण इस महल का नाम पड़ा है आपका सातखंडा महल। नेक्स्ट है आपका पचराही। पचराही जो कि कवर्धा जिले में एक महत्वपूर्ण आपका पुरातात्विक स्थल है, इसमें बहुत से आपके पुरातात्विक साक्ष्य इस पचराही में आज भी मिल रहे हैं। इसमें कुछ समय पहले जो है आपका पुराना जीवाश्म मिला था, एक पुराना जीवाश्म मिला था जो कि करोड़ों साल पुराना है। ये जो आपका जो जिस जीव का जीवाश्म मिला, ये आपके घोघा जीव का था, ठीक, जो पुरातात्विकविद जो है जिन्हें ये आपका पुराना जीवाश्म मिला, जब इसका जो है आपका कालक्रम जब निकाला गया, तो ये करोड़ों साल पुराना इसे जीवाश्म होने की बात कही गई थी। और ये जो जीवाश्म है ये किस जीव का है पूछा जाए, तो ये है घोंघा जीव का, ठीक है, घोंघा जीव का जीवाश्म मिला है जो कि करोड़ों साल पुराना है पचराही में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका हांदावाड़ा जलप्रपात। हांदावाड़ा जलप्रपात जो कि आपके नारायणपुर जिले में है, ये जो आपका हांदावाड़ा जलप्रपात है ये आपके धारा की पहाड़ी से लगभग 350 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ये हांदावाड़ा जलप्रपात स्थित है आपका गोयदेन नदी पर स्थित है। गोयदेन नदी से ये जो आपका जो जलप्रपात है, धारी डोंगरी की पहाड़ी से लगभग 350 फीट की ऊंचाई से गिर करके बनता है ये जलप्रपात, हांदावाड़ा जलप्रपात। ठीक, देखिए ये जो हांदावाड़ा जलप्रपात है अभी काफ़ी चर्चा में है। इस हांदावाड़ा जलप्रपात को आजकल हमारे जो अंचल के यानी नारायणपुर क्षेत्र के जो आपके स्थानीय हैं, इसे बाहुबली जलप्रपात नाम दे दिए। बाहुबली जलप्रपात नाम क्यों दिए है, क्योंकि इस जलप्रपात में जो है आपके बाहुबली 2 जो मूवी थी, बाहुबली 2 की शूटिंग होने वाली थी, बाहुबली 2 के एक सीन की शूटिंग होने वाली थी, लेकिन ये जो आपकी शूटिंग है इसे रद्द कर दिया गया। कारण क्या था कि उसी समय इस क्षेत्र में आपके माओवादी यानी कि नक्सलाइट घटनाक्रम काफ़ी बढ़ गए थे, जिसके कारण उस फिल्म की शूटिंग की परमिशन इस क्षेत्र में नहीं दी गई, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा अब इसे अलग से नाम दे दिया गया है आपका बाहुबली जलप्रपात करके, हांदावाड़ा जलप्रपात नारायणपुर जिला। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जंगल के मालिक व किसान के देवता राजा बाबा, जंगल के मालिक तथा किसान के देवता राजा बाबा। देखिए ये जो राजा बाबा जो है ये आपके राजा राव पठार जो कि कांकेर जिला, धमतरी जिला और बालोद जिला के सीमा पर स्थित है ये पठार, राजा राव पठार जो कि कांकेर, धमतरी और बालोद जिला की सीमा पर मौजूद है। इस पठार पर मौजूद है आपका राजा बाबा जो कि जंगल के मालिक और किसानों के देवता है। ठीक, खुले आसमान में इनकी कुछ प्रतिमाएं मौजूद है। देखिए ये जो राजा बाबा जो है ये आपके इन जिलों के आसपास के 3 गांवों के प्रमुख देवता है जिन्हें जंगल का मालिक कहा जाता है। देखिए ये जो आपके राजा बाबा जो है किसान के देवता है, तो ध्यान दीजिएगा इस क्षेत्र के किसान फसल का प्रथम दाना माँ कंकालीन जो कि पटेचुआ में आपके मौजूद है, माँ कंकालीन का मंदिर, माँ कंकालीन को अर्पित करते हैं, जबकि इसका जो द्वितीय दाना है वो राजा बाबा को अर्पित करते हैं। किसान जो है इन्हें अपना देवता मानते हैं और अपने पहली फसल का दूसरा दाना जो है ये राजा बाबा को अर्पित करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इस राजा बाबा के जो पूजा अर्चना के तौर पर यहाँ पर एक आपका बाल पर्व मनाया जाता है। बाल पर्व का मतलब क्या है, बाल का मतलब है आपके धान की बालियाँ। राजा बाबा को धान की बालियाँ अर्पित करने के लिए गणेश चतुर्थी यानी कि भादो माह में गणेश चतुर्थी के प्रथम शुक्रवार को बाल पर्व मनाया जाता है। इस बाल पर्व को मना करके राजा बाबा को धान की बालियाँ अर्पित की जाती है। विशेष बात यह है कि इस राजा बाबा की पूजा में केवल पुरुष ही शामिल हो सकते हैं, ना ही कन्याएं शामिल होगी, ना ही महिलाएं शामिल होगी और ना ही युवतियां शामिल होगी। राजा बाबा की पूजा केवल और केवल पुरुष ही कर सकते हैं। देखिए यहाँ ये जो आपका राजा बाबा जो नाम है, ये जो राजा बाबा का जो पूजा वाला स्थल है या जो देव स्थल है, यहाँ पर राजा बाबा के प्रतीक स्वरूप कुछ घोड़े की मूर्तियाँ मौजूद है। कोई यहाँ पे देवता की मूर्ति नहीं है, यहाँ पे घोड़े की सफ़ेद मूर्तियाँ मौजूद है जिन्हें सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद झंडा अर्पित किया जाता है।
इस स्थान पर पूजा करने का अधिकार केवल पुरुषों को है, प्रसाद चढ़ाने का अधिकार भी केवल पुरुषों को है, महिलाएं भी जो है इस राजा बाबा के प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकती। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, राजा बाबा कहां पर है, राजा राव पठार में। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि लास्ट ईयर जो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है इस स्थान पर आपके दर्शन करने के लिए गए थे। देखिए वहां पर मनाया जाता है आपका हर साल वीर मेला, वीर मेला मनाया जाता है आपके इस स्थान पर, कहाँ पे, राजा राव के पठार में वीर मेला, जो कि 3 दिवसीय मेला रहता है। इस आपके कांकेर, धमतरी और बालोद जिले के आसपास के जो आपके जनजातीय है, जो आदिवासी है, उनके द्वारा वीर मेला मनाया जाता है। वीर का मतलब क्या है, शहीद वीर नारायण सिंह। देखिए वीर नारायण सिंह का संबंध तो आपके सोना खान से है, लेकिन हम अभी कहाँ की बात कर रहे हैं, हम कांकेर, धमतरी और बालोद की बात कर रहे हैं। तो इस कांकेर, धमतरी और बालोद वाले क्षेत्र में शहीद वीर नारायण सिंह का जो है आपका संघर्ष और उनके बलिदान को याद करते हुए उनके शहादत दिवस के समय, यानी कि 10 दिसंबर को उनका शहादत दिवस था, उनका बलिदान दिवस था, तो उनके शहादत दिवस को याद करते हुए हमारे दक्षिण छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, यानी कि कांकेर, धमतरी और बालोद के इस राजा राव पठार में आपका वीर मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि 8 से 10 दिसंबर तक चलता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि वीर मेला जो है, वीर मेला का आयोजन कहां पर होता है, तो ध्यान दीजिए कांकेर, धमतरी और बालोद। अगर हम देखा तो ये जो आपका राजा राव का पठार है, उसका जो मेजर पोर्शन है वो आपके बालोद जिले में है, ठीक। लेकिन यहां पर जो है वीर मेला, शहीद वीर नारायण सिंह से इसे रिलेट करते हुए सोना खान की तरफ मत जाइएगा, ठीक। इसको ये थोड़ा सा एक हट के प्रश्न बन सकता है कि वीर मेला जो कि शहीद वीर नारायण सिंह से संबंधित है, लेकिन इसका आयोजन कहां हो रहा है, कांकेर, धमतरी और बालोद की तरफ, जहां पर आपके शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान और शहादत को याद रखते हुए यहां पर आपके वीर मेला हर साल भरता है। 3 दिवसीय मेला है। लास्ट ईयर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस मेले में शामिल हुए थे और 10 दिसंबर को उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस यानी कि शहादत दिवस में उनको याद कर किया था, ठीक। इतना इसको याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।